बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स। और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 1 कर रहे थे और आज हमारा टाइम है असेसमेंट का। तो आज हम देखेंगे हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 पर आप देखें, एक बहुत ही खूबसूरत सा वेब बनाया गया है जिसमें हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट लिविंग थिंग्स का वेब बनाया है। हमने लिविंग थिंग्स को क्या किया था, 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। 5 किंगडम्स कौन से थे? एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनरा। आपको याद है ना, हमने प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हमने कहा था फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। इसी तरह आपको याद होगा हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में हमने फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को पढ़ा था। आपको सब याद है ना? तो चलिए, अब मेरे साथ आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं यहाँ पर कुछ लाइंस बोलूँगी, आपने बताना है वो किससे बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास है यूज गिल्स टू ब्रीथ। ये सुन के आपके जहन में क्या आता है? यस, इट्स फिश। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स हैविंग फेदर्स, क्या जहन में आ रहा है? Yes, it's birds. Animals with 6 legs. Oh yes, it's so simple. They are insects. Animals with dry scaly skin. तो ये reptiles थे, याद है ना? आपको सब याद है क्योंकि ये बहुत interesting था। आए अब words को unscramble करते हैं। When we group something, we dash it. तो हमारे सामने क्या है जब हम इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे? ये क्लासिफाई आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, सम प्लांट्स मेक टाइनी डैश इन द प्लेस ऑफ सीड्स, सो दीज आर स्पोर्स। ऑल डैश हैव 6 legs, आपको तो पता है ना, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। बेबी सक मिल्क फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ फीमेल, यस इट्स मैमल। स्टूडेंट्स, अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि हम जो राइट साइड पे एनिमल बना हुआ है पेज नंबर 21 पे, लेट्स एक्सप्लोर को देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन पीपल हंट दिस ब्यूटीफुल एनिमल? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ब्यूटीफुल एनिमल कौन सा है। यस, इट इज मारखोर। क्यों हम इसको हंट करते हैं? ऑफ कोर्स फॉर फूड एंड हॉर्न्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने ठीक द करेक्ट ऑप्शन की तरफ। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, आपको तो याद होगा ना, पेटल्स की बेस पे हमने इन्हें क्लासिफाई किया था। एनिमल्स ऑफ विच ग्रुप हैव बैकबोन्स, तो यहाँ पे आप तो जानते हैं ना इंसेक्ट्स के पास बैकबोन्स होती हैं, ना इकाइनोडर्म्स के पास, ना स्पंजेस के पास, लेकिन फिश के पास बैकबोन होती है। तो फिश इज द राइट आंसर। फिश हैव डैश टू ब्रीथ, किससे ब्रीथ करती है? यस, गिल से। सी इज द राइट ऑप्शन। ह्यूमंस बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यस वी आर मैमल्स, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच वन इज नॉट एन इनडेंजर एनिमल? स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो ये तो इनडेंजर नहीं है ना, so dinosaurs is the right answer. Let's investigate. A starfish is actually not a fish. Why? हम भी इसे starfish क्यों कहते हैं? What reason came to your mind? जब starfish का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में यही आता है ना कि ये fish है। लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं, हमें याद है कि ये echinoderm थी। इसके पास ना fins थे ना gills थे, इसके पास तो ट्यूब फीड्स थे ना। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छी असेसमेंट की है और आपने बहुत कुछ लर्न किया है। उम्मीद है आप इस क्लासिफिकेशन से बहुत कुछ सीखेंगे।
आपको इन तमाम कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।